यू आर अगेन वॉचिंग कविता इज हियर ऑनलाइन कंपटीशन टॉक्स सीरीज की न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। योर गेम्स फाउंडेशन इज ऑर्गेनाइजिंग अ लेटेस्ट ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन 2020-2021 एज अ पार्ट ऑफ इट्स वीडियो मंथली चैलेंज इनिशिएटिव in which you can participate freely, no entry fee. Regarding rewards, the participant whose video is top liked will get a gift. जिस भी participant की video top liked होगी उसे gift मिलेगा. E-certificate for all participants and winner will get merit E-certificate. That's excellent. एलिजिबिलिटी योग्यता की कौन इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एनीवन कैन जॉइन दिस कंपटीशन फ्रॉम एनी प्लेस इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड देयर इज नो एज लिमिट। कोई भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है चाहे वो इंडिया में लिव करता हो या फिर किसी और कंट्री में और कोई भी एज लिमिट नहीं है। रूल्स नियम No plagiarism allowed. कोई भी साहित्यिक चोरी की अनुमति नहीं है। सिंगल और मल्टीपल वीडियोज आर एक्सेप्टेड ऑन सेम डेट विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप सेम डेट पर ही सिंगल या मल्टीपल वीडियोज अपलोड कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। वीडियोज शुड बी पोर्ट्रेट। वीडियोज पोर्ट्रेट होने चाहिए। ईच पार्टिसिपेंट कैन सबमिट अ मैक्सिमम ऑफ 10 एंट्रीज। ऑल द एंट्रीज इज थीम बेस्ड सो यू हैव द टोटल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक प्रतिभागी अधिकतम 10 एंट्रीज सबमिट कर सकता है। कंपटीशन अपडेट्स विल बी पोस्टेड ऑन द योर गेम्स ऑफिशियल ऐप। कंपटीशन की अपडेट्स योर गेम के ऑफिशियल ऐप पर पोस्ट होंगी। व्हाट टू डू, आपको क्या करना है। यू हैव टू शूट अ सिंगिंग रेसिटेशन वीडियो लेस देन 60 seconds 1 minute इन लेंथ। आपको एक सिंगिंग रेसिटेशन वीडियो शूट करना है जो 1 minute से कम का होना चाहिए। रिगार्डिंग टाइमलाइन ऑफ दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन की रिगार्डिंग टाइमलाइन, समय सीमा की क्या है इसकी, इम्पॉर्टेंट डेट्स। This competition began on September 1, 2020 and its last date of participation is April 30, 2021. So kindly hurry up. Competition की शुरुआत हुई है 1 सितंबर 2020 से और इसमें पार्टिसिपेट करने की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2021। सबमिशन प्रोसेस कि किस तरह से आप सबमिशन कर सकते हैं। यू कैन सबमिट योर वीडियो बाय डाउनलोडिंग एंड यूजिंग द यो गेम्स ऑफिशियल ऐप। इट्स लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपनी वीडियो यो गेम्स ऑफिशियल ऐप के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि किस तरह से आप इस ऐप में सबमिट कर सकते हैं। योर गेम्स ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना इंटरनेट ऑन रखना है और जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको इवेंट्स पर जाना है। इवेंट्स पर जाने के बाद जो आपको ऊपर ऑनलाइन अपकमिंग का सेक्शन दिख रहा है उसके बगल में जो व्यू ऑल रिटर्न है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंगिंग, इस सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सबमिट करने के लिए सी एंड सबमिट वीडियोस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो गोल टाइप का अपलोड ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपनी वीडियो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने यहाँ पर एक वीडियो फाइल सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ हैशटैग्स लगाने हैं और फिर इसे पब्लिश कर देना है। कॉन्टैक्ट इन्फो, संपर्क करने का साधन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट योर गेम्स फाउंडेशन बाय मेलिंग ऑन दिस ईमेल एड्रेसेस। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
as visible on the screen clearly. Rajiv Gandhi Foundation and Rajiv Gandhi Study Circle invites you to participate in a new online amazing essay writing competition 2021 commemorating the upcoming death anniversary of Shri Rajiv Gandhi. You can participate freely in this competition. No entry fees. That's very, very good. Regarding rewards of this competition ke regarding appreciative rewards. Prize money total worth ₹30,000. First position ₹10,000. पहले विनर को मिलेगा ₹10,000. Second position ₹5,000. दूसरे विनर को मिलेगा ₹5,000. Third position ₹3,000. तीसरे पोजीशन को मिलेगा ₹3,000. 12 एडिशनल कॉन्सुलेशन प्राइजेस भी यहाँ पर हैं ₹12,000 ईच. एक कॉन्सुलेशन विनर को ₹1,000 मिलेगा. इस हिसाब से 12 कॉन्सुलेशन विनर्स को ₹12,000 मिलेंगे. दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेट एंड फैंटेस्टिक. पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स. Regarding topic of this competition is competition ka regarding topic vishay. The topic of this essay writing competition is Shri Rajiv Gandhi's vision of modern India, jiska matlab hai aadhunik Bharat ke sandarbh mein Shri Rajiv Gandhi ka drishtikon. Now regarding guidelines of this competition ki regarding guidelines, Disha Nirdesh. Word limit of essay writing is 2000 words. Essay writing ke liye shabd seema hai 2000 shabd. Medium of language for essay writing should be either English or Hindi. If you send through email, mail's subject should be essay writing competition. अगर आप email के through send करते हैं तो आपके mail का subject होना चाहिए essay writing competition. Entries should be submitted with your full details like name, college, course and contact details. एंट्रीज सबमिट करते टाइम आपको ये सारी डिटेल्स भी मेंशन करनी है. पार्टिसिपेशन वेज हम आगे डिस्कस करेंगे. एसेज विल बी जज्ड इन टू राउंड्स. एसेज को दो राउंड में जज किया जाएगा. 20 बेस्ट एसेज शैल बी कंपाइल्ड इन अ बुक पब्लिश्ड बाय अ रिनोन्ड पब्लिशर. This book will be released on 20 August 2021, 77th birth anniversary of Shri Rajiv Gandhi. अभी आपसे जिस बुक का जिक्र किया है वो बुक रिलीज होगी 20 अगस्त 2021 को, जो coincidentally है श्री राजीव गांधी का 77th birth anniversary. Regarding timeline of this competition की regarding timeline, समय सीमा की कब तक आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं. The competition started on April 10, 2021 and its last date to submit entries is April 30, 2021. Results will be declared in a program held on 21 May 2021, 30th death anniversary of Shri Rajiv Gandhi. Regarding required eligibility of this competition की eligibility, योग्यता की कौन इसमें हिस्सा ले सकता है. This competition is open for only graduate and postgraduate students. How to participate in this competition, इस प्रतियोगिता में कैसे भाग लें. With the details, you have to send your entry by any of these two ways. गाइडलाइंस के दौरान अभी आपको जो डिटेल्स सेंड की जानी चाहिए वो बताई थी, तो उन डिटेल्स के साथ आपको दो तरीकों में से एक के थ्रू एंट्री सेंड करनी है, और वो तरीके हैं ईमेल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और दूसरा तरीका है पोस्ट, जिसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन पर विजिबल है.